या दिस इज डीपकूल CC360 ARGB कैबिनेट। अब भाई इंडिया में पहला वीडियो हम ही कर रहे हैं इसका, इसको रिव्यू, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी लुक से, सब बताता हूं मैं आपको। तो गाइस यहां पर ना जो ये लुक्स आपको ऑफर करता है गाइस, ये वाला कैबिनेट मेरे पास आया व्हाइट कलर में, आपको व्हाइट एंड ब्लैक दोनों कलर्स में ही देखने को मिल जाता है। अब भाई यहां पर ना आपको फ्रंट में स्क्वायर डिजाइन मिलता है दोनों साइड आपके वेंटिलेशन होल्स में, जिससे पता चलता है कि भाई ये डीप कूल ही कर सकता है, जिससे कि आपके ARGB फैंस की लाइट बाहर को ग्लो करती है, वो काफी अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। ओवरऑल गाइस ये कॉम्पैक्ट कैबिनेट है, लेफ्ट साइड में जो आपको स्क्वायर ब्लॉक्स एंड यहाँ पर होल्स का डिजाइन मिलता है भाई, बहुत यूनिक, बहुत अच्छा लगता है। PS शॉर्ट के ऊपर होल्स हो गए या फिर एग्जॉस्ट फैन के ऊपर आपके रियर फैन के पीछे होल्स हो गए, भाई वो स्क्वायर है पूरे के पूरे जो डीप कूल ही हमें यहाँ पर ऑफर करता है। ओवरऑल गाइस काफी बढ़िया हमें यहाँ पर लुक्स देखने को मिलती है। लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी। तो भाई अब ये पहला है ऐसा कैबिनेट, मतलब डीप कूल का कैबिनेट डेडिकेटेडली मैं रिव्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे गाइस मुझे चलता है पता कि डीप कूल आपको क्या बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता है। भाई ये छोटा सा कैबिनेट ना आपको अप्रोक्स 5 kg के आसपास देखने को मिलता है। भाई अब देख लो कितना हैवी होगा भाई। इसके मैं प्लास्टिक मटेरियल की बात करूं, बहुत सॉलिड गाइस, यहाँ मेश में है पूरा प्लास्टिक। साथ में भाई इसके मेटल की बात करूं, भाई इसका रेयर पैनल हो गया या भाई लेफ्ट का पैनल हो गया या पूरी चेसी हो गया, भाई इसकी बहुत सॉलिड आपको देखने को मिलती है इसके मेटल की बिल्ड क्वालिटी। टफन ग्लास गाइस यहाँ पर अच्छी खासी थिकनेस एंड क्रिस्टल क्लियर आपको टफन ग्लास भी देखने को मिलता है यहाँ पर इसका, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बिल्ड क्वालिटी। मेरे को भाई डीप कूल की बिल्ड क्वालिटी बेस्ट लगी अब तक के कैबिनेट्स में से जितने मैंने रिव्यू करे हैं यहाँ पर। ओके अब बात करते हैं कंपेटिबिलिटी की, कि भाई डीप कूल का CC360 ARGB कैबिनेट क्या कंपेटिबिलिटी हमें ऑफर करता है। भाई स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से। भाई यहाँ पर ना मिनी ITX एंड माइक्रो ATX मदरबोर्ड ये कैबिनेट सपोर्ट करता है। वही लिक्विड कूलर की बात करूँ तो गाइज आपको टॉप साइड पे देखने को मिलता है 240mm तक का लिक्विड कूलर के रेडिएटर का सपोर्ट एंड फ्रंट में गाइज आपको मिलता है 360mm तक का रेडिएटर का सपोर्ट। साथ में भाई एयर कूलर भाई आपको मिलती है यहाँ पर 160mm तक का एयर कूलर की क्लियरेंस। एंड भाई यहाँ बात करते हैं GPU की, तो भाई आपको मिलता है यहाँ पर 320mm तक की GPU की क्लियरेंस, मतलब आपको GPU का सपोर्ट मिलता है 320mm तक का। वही पर बात आती है भाई इसके PSU की, भाई आपको मिलती है यहाँ पर 160mm तक की PSU की यहाँ पर सपोर्ट। एंड भाई यहाँ पर फैंस, भाई यहाँ पर आप टॉप साइड पे 120mm के फैंस यूज कर सकते हो, भाई आप यहाँ पर PSU श्राउड के ऊपर 2 फैंस यूज कर सकते हो 120mm के, गाइस फ्रंट साइड में आप यूज कर सकते हो 3 फैंस 120mm के एंड रेयर में भी एक, ओवरऑल आपके टोटल हो गए भाई मोटे मोटे से 8 फैन आप इसके अंदर, 8 फैंस आप लगा सकते हो इस कैबिनेट के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया है। साथ साथ भाई यहाँ बात करते हैं स्टोरेज की, डिवाइस एक साथ ही ना आप यहाँ पर 2 हार्ड ड्राइव 3.5 की एंड आप 3 SSD साटा वाली इसमें एक साथ माउंट कर सकते हो, जो कि भाई बहुत वाइड हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए ना। वहीं टॉप साइड में गाइस आपको मिलता है IO पैनल, जिसमें गाइस आपको पावर का बटन, USB 3.0 ऑडियो और माइक का कॉम्बो, USB 3.0 एंड भाई LED बटन। अगर आपका मदरबोर्ड ARGB सपोर्ट नहीं करता तो यहाँ पर आप LED से ही पूरा इसके जो कंट्रोलर मिलता है आपको पीछे की साइड, वहां से गाइस आपकी पूरी LED कंट्रोल होने लगी इस बटन के थ्रू। ओके अब बाकी सारी बातें एक तरफ, यहाँ पर कैबिनेट की परफॉर्मेंस एक तरफ, अब परफॉर्मेंस को कहें तो हम एयर फ्लो, अब आपको मिलते हैं यहाँ पर 3 प्री इंस्टॉल्ड फैन जो कि यहाँ पर ARGB होने वाले हैं। फ्रंट में गाइस आपको 2 फैंस मिलते हैं, रेयर में आपको एक। अब फ्रंट गाइस यहाँ पर 3 सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक 3 फैंस तो होने चाहिए थे, अब बजट को देखते हुए ये कॉम्प्रोमाइज करा, आई डोंट नो क्यों करा है, लेकिन हाँ आप रेयर फैन को आगे लगा सकते हो। अब बात आती है वेंटिलेशन की, तो गाइस आपको फ्रंट में मिलती है वेंटिलेशन जहां से पूरी इनटेक आपकी होने वाली है, गाइस टॉप से भी आपको मिलता है जहां पे आपके रेडिएटर या फैंस माउंट होंगे वहां पर भी आपको मिलती है प्रॉपर की प्रॉपर वेंटिलेशन। उसके ऊपर डर्ट फिल्टर भी है जिससे डस्ट अंदर नहीं आएगी आपकी। एंड रेयर में भी आपको मिलता है एक फैन जहां से सारे एयर अंदर की हीट वाली वो बाहर को होने वाली है, हीट आपकी एग्जॉस्ट होने वाली है। एंड PSU श्राउड के ऊपर भी आपको बहुत सारे होल स्क्वायर में मिलते हैं जिससे आपका PSU ज़्यादा गर्म नहीं होगा एंड वहाँ फैंस लगाओगे तो आपकी इनटेक भी या आउट भी आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आपको बैक पैनल पे ही मिलता है स्क्वायर ब्लॉक्स एंड स्क्वायर होल्स का डिजाइन, जो मैंने पहली बार देखा है भाई एक ऐसे कैबिनेट में जो आपकी एयर फ्लो को हवादार बनाने वाला है। मतलब आपका जो कैबिनेट वो एक तरफ से ही बंद है, सिर्फ वो है इसका टफन ग्लास वाली साइड, अदरवाइज पूरा हवादार ये होने वाला है। PSU श्राउड के नीचे भी आपको डर्ट फिल्टर मिलता है जिससे भाई आपकी यहाँ पर ना पावर सप्लाई भी गंदी नहीं होने वाली, तो
ओवरऑल काफी बढ़िया परफॉर्मेंस ये कैबिनेट आपको निकाल के देगा हीट के हिसाब से, एयर फ्लो के हिसाब से। सो ऑप्शन बहुत ज्यादा है आपके पास यहाँ पर, फैंस आप और ऐड कर सकते हो, रेडिएटर लगाओ, एयर यूज करो या आप एयर कूलर यूज करो, तो आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। वेल बात करते हैं इसकी प्राइसिंग एंड कैसे इसको बाय करना है। भाई प्राइसिंग इसकी 3600 से लेके 4200 के बीच में ही होने वाली है, व्हाइट एंड ब्लैक कलर दोनों की ही। और भाई अब इसको बाय कैसे करना है गाइस, यहाँ पर Amazon पर आपको डीप कूल नहीं देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा डीप कूल अब फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, वहां से आप इस कैबिनेट को डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अब वीडियो अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, मैं अच्छा लगता हूं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज, ऑलवेज गिव योर बेस्ट।